हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर के कुछ ही सामग्री से बनने वाली एक ऐसी डेजर्ट की, या यूँ कह लीजिए मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है और हमने इसे टर्किश डेजर्ट से इंस्पायर होकर बनाया है, जो कि बिल्कुल नई रेसिपी है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस लाजवाब मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक स्टील की ट्रे। आप इसके जगह फाइबर की या कांच की ट्रे भी ले सकते हैं। इसे हमें बटर से पहले ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हमें इसके ऊपर डालना है नारियल का बूरा, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। आपको सूखा नारियल नहीं लेना है, नारियल का बूरा ही लेना है। और इसे हमें बिना हाथ लगाए फैलाना है, ताकि जो नारियल का बूरा है वो बटर के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अब इसे हम एक साइड रखेंगे और बनाएंगे मिठाई का मिश्रण। तो मैंने कढ़ाई में लिया है लगभग 2 कप दूध, ये लगभग 400 ml दूध है। और इसमें डालेंगे हम 1/3 कप शुगर, 1 teaspoon डालेंगे हम इलायची का पाउडर, 3 tablespoon हमें डालना है सूजी, बस इससे ज़्यादा सूजी हम नहीं डालेंगे, 3 tablespoon ही हमें डालना है। और 1 tablespoon डालेंगे हम ये कॉर्नफ्लोर है, आप इसकी जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें पहले आपको अच्छे से मिला लेनी है, उसके बाद ही गैस को ऑन करना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगभग 8 से 10 मिनट पकाना है। लेकिन स्पैचुला छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। तो जैसे जैसे ये पकते जाएगा, ये मिश्रण गाढ़ा होते जाएगा और इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगेंगे। तो जैसे ही ये थिक होने लगेगा, हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देनी है और इसमें डालना है 1 teaspoon ये बटर है। बटर डालने से इस मिठाई के मिश्रण में एक ग्लेज आएगा, एक शाइन आएगी और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हल्का नमकीन होता है। और जब भी आप मिठाई बनाएं तो उसमें एक चुटकी नमक ज़रूर डालें, जिससे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बटर से इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर इस मिठाई के मिश्रण को हमें फटाफट इस ट्रे में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी सेट होने लगती है, तो हमें ये काम थोड़ा जल्दी करना है। और यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको इसे हल्के हाथों से फैलाना है और जो नारियल का बूरा है उसे मिक्स नहीं होने देना है, बस हल्के हाथों से इसे अच्छे से स्प्रेड करना है। और जैसे आप इसे स्प्रेड करेंगे तो ये हल्का सा सेट हो जाएगा, तब आपको स्पैचुला पर हल्का सा घी लगाकर इसे इस तरीके से इवन करना है, ताकि चारों ओर ये अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाए और आपके परफेक्ट रोल बनकर तैयार हो। अब यहाँ इसे हम एक साइड रखेंगे और हमें लेना है अब विप क्रीम लगभग 1/2 कप। इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा रेड कलर और अब हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो विप क्रीम है वो अच्छे से बीट हो चुकी है और अब हम इसे मिठाई के ऊपर डालेंगे, इसे फैलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप चॉकलेट स्प्रेड या फिर न्यूट्रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रीम डालने से पहले आप एक बार कंफर्म कर ले कि जो मिठाई का मिश्रण है वो गर्म ना हो। अगर गर्म के ऊपर आप ये विप क्रीम डालेंगे तो ये मेल्ट होने लगेंगी। अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमें विप क्रीम डालकर इसे अच्छे से फैलाना है। लेकिन ज़्यादा मोटी लेयर आपको नहीं रखनी है, ना ही सूजी वाली लेयर, ना ही क्रीम वाली लेयर। आपको पतली पतली ही लेयर्स बनानी है, तभी आपके रोल अच्छे से फोल्ड होंगे, वरना वो टूट जाएंगी। तो ये देख सकते हैं, हमने इसे अच्छे से फैला दिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और इसे हमें डालना है फ्रिज के अंदर लगभग 1/2 घंटे के लिए। फ्रिज में ही डालना है, फ्रीज़र में नहीं डालना है। 1/2 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा और अब हम इसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, फ्रिज में रखने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, जिससे इसके पीसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होते हैं। अब पीसेस करने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आपको एक स्पैचुला लेना है और इसके किनारों को उठाते हुए इसे हमें रोल करना है। तो पहला रोल करते वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस नहीं होता है, लेकिन जैसे आप बाकी के रोल बनाएंगे आसानी से बना सकेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको दूसरा रोल भी बनाकर दिखा रही हूँ। अब हमें इसे डालना है नारियल के बूरे के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हल्के क्रैक्स आ चुके हैं, तो इसे हमें क्लियर करने के लिए, इसे अच्छे से सेट करने के लिए इसके ऊपर हमें नारियल का बूरा लगाना है, जिससे कि इसके सारे क्रैक्स हट जाएंगे और मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और परफेक्ट रोल बनकर तैयार होगा। तो इसी तरीके से हमें सारे रोल्स बना लेने हैं
और अब हमें इसे गार्निश करने के लिए थोड़े से पिस्ता की कतरन, चेरी और चांदी के बक्से से थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी रॉयल टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। और जैसे हम इसे कट करेंगे, आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ, कितनी क्रीमी है। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी क्रीमी मिठाई आप ज़रूर बनाइएगा। अब बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगी, ये इतनी स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही कम सामग्री में बनकर तैयार होती है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।